आज देश भर में तिरंगे के नीचे एकत्र होकर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। पटियाला में भी यादविंद्रा पब्लिक स्कूल स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी लेकर अपना संबोधन दिया। इस मौके पर वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि ये देश उन वीर शहीदों को हमेशा याद रखेगा जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। इस मौके ढींडसा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार शहीदों के लिए यादगार स्मारक बना रही है और कहा कि विरोधी पार्टियां गलत प्रचार कर रही हैं, जबकि पंजाब आर्थिक स्तर पर केंद्र से अच्छी स्थिति में है। ऐसा बहुत ही निका जो योजनावान सरकार ने बनाई है, यही जो सा सुपना है कि साड़ी कोशिश है कि उन्होंने शहीदों के सुपन का जोड़ा है देश इस रूपए असं बना सकते। इकोनमी रिवाइवल के है देखो, एक गल मैं दसना चाहना कि बड़े विरोधी पार्टियां गलत प्रचार कर रही हैं। जोड़े सेंटर के CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गनाइजेशन, उन्होंने डाटे आ चुके हैं जो लेटेस्ट ने, उसके मुताबक जो देश की औसत मैनुफैक्चरिंग सैक्टर की है, खास तौर पर सनत की, पंजाब देश की औसत नालों उच्ची जी है ग्रोथ है। पिछले 2013-14 का जो डाटा आया वो हिंदुस्तान की जो मैनुफैक्चरिंग सैक्टर की ग्रोथ है वो -0.2% है, तो देश जी पंजाब की मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ है 2% उत्ते है। सो इस करके सारिया जो चीज़ों के बावजूद विरोधी पार्टियां के झूठे प्रचार के बावजूद ये गल जी है साबित हो चुकी है कि पंजाब के चंगा प्रशासन और पंजाब की जी आर्थिकता है वह तरक्की वल बढ़ रही है। सानू एक जो असं समय समय से गल करते रहे हैं, वड्डी चिंता का विषय जो है वो खेतीबाड़ी का जो खेत्र है वो ग्रोथ है। पिछले साल के खास तौर पर शुगर इंडस्ट्री बासमती इधर प्रभावित हुई है, जिसका असर अर्थचारे से देखने को मिले, पर उस तो अलावा उस चीज़ों के बावजूद भी सरकार वालों किए यत्न सदका साड़ी जो इकोनमी है वो देश के नालों बाकी बाकी सूबे के औसत नालों वधिया जिहड़ा है उहदे नालों वध वध रही है। पटियाला से आजाद TV न्यूज़ के लिए वरिंदर सैनी की रिपोर्ट।